नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली है। इसके बारे में हम बताएंगे कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि क्या है, इसका वेतन क्या है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, कितने पदों पर होनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक सरकारी रिजल्ट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम इसके वेतन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का जो वेतन है वो 29,200 है और हेड कांस्टेबल का 25,500 है। साथ में यदि हम एज लिमिट देखें यहाँ पर, तो इसकी एज लिमिट 26/1/1998 से लेके 25/1/2005 के बीच में जिनका जन्म है वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह 12th पास वैकेंसी है, यानी जिसने 12th कर रखी है या 12th स्टैंडर्ड यानी इक्विवेलेंट जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 4 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 25 जनवरी अंतिम तिथि होगी। यहाँ पर यदि हम पदों की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के टोटल 143 पद है और हेड कांस्टेबल के लिए 1315 पद है। कुल मिलाकर 1458 पदों पर ये भर्ती होनी है। साथ में यदि हम सिलेबस की बात करें तो अभी सीआरपीएफ ने शॉर्ट नोटिस जारी किया है जिसमें सिलेबस के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। जैसे इसका सिलेबस हमारे सामने आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी छोटी से छोटी अपडेट यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।